अभी मैं मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा के हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल मैं गौशाला में हूँ, सैदपुर गौशाला में, और गौशाला का मामला तुमने सुनया होगा भाई। गौशाला के नाम पे लोग चंदा काटे हैं, उसने पर्सनल यूज पे लेवे हैं। वीडियो भी देखी थी, एक पिटाई की वीडियो भी कुछ बुजुर्गों की आई थी, जिसका मैंने आज खुलासा भी कराया क्यों उनकी पिटाई हुई। एक और छोरा इसी विषय पे आज हमारे सामने आया है, जिसने 83 लाख रुपए गौशाला को चंदा दे दिया, और आज वो भाई कुछ बातें हमसे करना चाहो स्पेशल गौशाला के ऊपर। और हम भी उस तो बात करा भाई, 83 लाख रुपए ले आया कि क्यों दिया भाई गौशाला में चंदा? 83 लाख रुपए कोई गौशाला में चंदा दे है तो इसका मतलब उसका ब्योत ठाडा है या कोई बिजनेस तगड़ा करे है। यो भाई देख लो, मिले गया पहलवान राम राम भाई। राम क्या हाल है राकेश भाई? बहुत बढ़िया मलिक साहब, क्या कर रहा था? गौ माता की सेवा कर रहे थे। गौ माता की सेवा भाई, एक बात बता, वीडियो देखी है लगातार? चलो बाहर से आ जाओ, चंदना में चल रहा है, अंधेरा हो रहा है। देखिए भैया दून सी मार है गौ, थोड़ा सा इस तो दूर बच के चलिए। आप राकेश भाई, हाँ, एक स्पेशल विषय पे बात करने वाले हाँ जी, उस विषय से आप अवगत भी हो, आपका फोन आया मेरे दौर है भाई, मैं भी इसके ऊपर बात करना चाहूंगा, हम बात करेंगे। देखो आप भी गौशाला में हो, गौशाला चलती तो चंदे से ही है, ये तो बात क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, बगैर चंदे नहीं चलती। ये है सामाजिक और धार्मिक जगह है, दोनों जगह की है, तो ये हमारे आस्था जुड़ रही है, हमारे भारत देश की ना ये संस्कृति के साथ जुड़ी हुई है। और जो देश की गौ माता है वो हमारी खेती के साथ जुड़ कर, हमारी भावनाओं के साथ भी, और हमारे पूरे देश के जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है ना, उनकी हर एक चीज से जुड़ रही है, नस नस में गौ माता का कुछ अलग ही। गौ माता की भी सेवा करने लग रहे थे और करते आ रहे हो, 83 लाख रुपये लगभग आपने गौशाला में दान भी कर लिए। आज की जो लगातार 2-3 दिन रोज से आपने वीडियो देखी, वायरल हो रही, वो देखी ध्यान से सुनी सोची? हाँ देखो, मैंने देखी तो है। देखो मैं दान है ना, लेने का भी और करने का भी समाज में एक तरीका होता है जी, और सच्चा तरीका वो है। देखो हमारे देश के जो लोग है ना, वो त्यागी लोग है, बड़े भावना वाले लोग है। ऐसा नहीं भाई वो कोई जावत है उन्हें चंदा ना देवे, लेकिन ईमानदारी तर सत्य के रास्ते वाले लोग जाएंगे ना, तो कुछ ना कुछ देगा तो जरूर भेजेंगे। अच्छा ये जो एक प्रकरण हुआ कि भाई चंदा मांगने वाले जो बुजुर्ग थे कि और युवा साथी था, वो पीटे गए, वो दो तिखंड कम थे, उनके लठ मारे गए, उन पर नलाक से लकीर कटवाई गई, इस प्रकरण पर आपने के विचार कराया? देखो पवन भाई, मैं अपनी आत्मा की जो बात बताऊंगा, देखो इसमें मेरी तो ये आत्मा की बात थी। देखो वह धोती वाले थे, किसी भी जाति तो थे, किसी भी चीज तो थे। देखो उनने अगर गलत चंदा मांगा है तो उनने वह एक कानून के तौर पर वह पुलिस तो भी देश के थे, पंचायती तौर पर भी देश के थे, पंचायत इकट्ठी भी कर सके थे, लेकिन ऐसे अभद्र तरीके से पीटना देखो मेरी आत्मा नहीं मानती, क्योंकि देखो उन्हें गलती तो कर रखी, मैं मानू हूँ। लेकिन आपने बीच में एक बात कह दी जो मैंने भी मैंने तो तुरंत नोट कर ली, फिर भाई भी नोट कर गया होंगे कि वो किससे भी जाती तो थे, क्या सोचा आपने ये चीजें कैसे कह दी? आप कहीं ना कहीं पहुंचे हो इसकी तह तक, अब गौशाला में रहो, गौशाला की चीजों को नहीं देखो वो तो ऐसा हो ना, जो ऐसे झूठ बोल गए अगर कोई ऐसे धर्म के नाम पे और झूठ बोल गए ऐसे कार्य कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा लोभ लालच ज्यादा है कि भाई हमें ऐसे झूठ बोल गए और गौ माता के नाम पे, इससे क्या है ना गौशालाओं के कार्यों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वो प्रभाव है ना आम लोगों के जो गांव का तत्का है ना उन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो क्या है खेती बाड़ी से अपना परिवार चलाते है, पशुधन से चलाते है, और उनके पास है ना देने के लिए भाई गेहूं हो गया, चारा हो गया, पैसे ज्यादातर नहीं होते, और फिर भी आजकल क्या है ना लोग पैसे ज्यादा मांगते हैं, तो पैसे कहीं ना कहीं उन्होंने अफोर्ड नहीं इतने नहीं कर पाते। देखो मैं देखूं शहरों में तो भाई अब एजुकेशनल भी लोग जो जॉब करते हैं वो कर दे है, लेकिन गांव वाले इतना नहीं। इसमें मैंने एक और चीज खास देखी है कि ये लोग जो ये आप जिनका जिक्र करे जो पिटे हैं, ये लोग ज्यादातर टारगेट उनको करते हैं कि जो हमारे सेटल भाई हैं, जो बाहर बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, शहरों में जा रहे हैं, वहां जाते हैं जैसे सेक्टर में देखे हैं, फिर उस बाहर घर के बाहर नेम प्लेट देखे हैं, प्रॉपर तरीके से उस घर के अंदर घुसे हैं, एक प्लानिंग बोले एक किस्म से मेरी नजर में तो ये एक डाका सा है राकेश भाई। देखो मैं दया याद जोड़कर दया प्रार्थना करूंगा, ऐसा कार्य मत करो जो समाज को बुरा करे और आने वाले युवाओं को एक गलत संदेश जावे हैं, और हमारे जैसे भी जो युवा जो कार्य कर रहे हैं हमको भी कहीं ना कहीं डीमोटिवेट होना पड़ता है ऐसे कार्य को देख के हैं कि समाज में ये बुराइयां हो रही है, और हरियाणा के अंदर जो कार्य हो रहा है हरियाणा की तो अलग पहचान है पूरे देश में, और ऐसी ऐसी वीडियो आवेगी गौ माता के प्रति, हरियाणा ने तो
इस देश को पता नहीं क्या क्या दिया है, इतने रत्न दिए हैं, और फिर ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी ऐसे ऐसे कार्य करेंगे ना, तो थोड़ा सा है बदर लग गया। मैंने भी बाहर भीतर कहीं जावा है, अच्छे आदमी हम बैठे थे, ये चर्चा चल रहा था, थोड़ा सा हमने नार नीचे झुकानी पड़े। राकेश भाई, मेरा एक मानना है, जो मैं इस वीडियो के तहत गया हूँ, एक एक चीज मैंने इसमें जांची परखी देखी, मैं मिला लोगों से, तो मैंने नू लगा कि देखो आप बुजुर्ग थे तो आपने बुजुर्ग की मर्यादा में रहना चाहिए था। सही बात है, बिल्कुल। एक बुजुर्ग देखो, हम अपने बड़े की कितनी रिस्पेक्ट करा हा। देखो पवन भाई, मेरा तो देख मैं या फिर कहूँ, बुजुर्ग का एक शब्द ही अलग है। आप देखोगे ना, चाहे देखो हम ये नहीं कहते बुजुर्ग सभी लायक होते हैं, थोड़ी सी उम्र दाज होने के बाद ना लायक भी हो जाया करे, समाज में सारी डाल के होते हैं। लेकिन क्या ना, हमारा जो हम तो छोटे हो गए, छोटे का फर्ज ये बनता है कि भाई उसको अच्छे तौर तरीके से समझा कर, कानून के तौर तरीके दर कानून को देख है, और उस पर कितना ये भी कड़ा है कानून को, कोई भी चार्जशीट करवा सको जो कानून के तहत आवा है, उसमें बहुत फायदा भी मिलता है, समाज में भी और अच्छा संदेश जाता। लेकिन पिटाई का थोड़ा सा पवन भाई, पिटाई नहीं होनी चाहिए, पिटाई नहीं। मैं उसकी पहले भी मैंने निंदा करी है, आज भी करूं। मैं एक बात और मानू, जो वो भाई थे राजपुर वाले जिन्होंने ये कराया काम, उनने काम एक नंबर का करा था, ये पकड़े इनकी मतलब खुलासा कराया एक नंबर का, लेकिन करके खो दिया। हाँ, खुलासा बहुत सुथरा कराया, समाज में अच्छा संदेश दिया, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने ना एक तरीके से बैठा के वीडियो बनानी थी, तरीके से बैठा के और तरीके से पूरी बात खोलनी थी। ये मानस आवा है, इनका जो नाम है जो पता है, और ये ऐसे ऐसे धोखाधड़ी करे है, और भी टीम है ऐसी ऐसी, थोड़ा सा सावधान हो, आप कॉन्टेक्ट करो डायरेक्ट गौशाला तय, और गौशाला के प्रधान से बात करो, आसपास के गांव वालों से बात करो, अगर उधर का नंबर है भाई ये ऐसे ऐसे ये लोग है इस गांव के है कि नहीं है, फिर आप चंदा दो, और उनका पूरा खुलासा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात होती है। ज्यादातर तो ये करो भाई, अपने एरिया की गौशाला है जो, मान ले भाई मैं मोखरा गांव का हूँ, तो या तो मोखरा की या मदीना की या कलान और या भाई आसपास की गौशाला, उसमें ज्यादा चंदा दो। अकबरपुर जाब खरखड़ा बिल्कुल अपनी गौशाला के मध्यो भाई, मैं दो आसपास के जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मारी गौशाला, आसपास की गौशाला के जो इतने भी सदस्य होते हैं उनका पता भी रहता है फलाना फलाना है, और दिक्कत भी नहीं रहती, जो दूर ताव है ना उनकी पूरी तय तक जाओ। तो गौशाला है ना, इसमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए भाई? इसमें गौशाला में सावधानी बरतनी चाहिए अक भाई, जो भी जैसे ये घटनाएं होती है ना, इन पे ज्यादा से ज्यादा वो कानून तौर पर कुछ ना कुछ कानून टीम जो बनावे, जो भाई चंदा लेने जाने वाले, देखो चंदा तो लेना पड़ेगा तब तो गौशाला चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें टीम जो बनाई जाओ भाई, ये हमारी चंदा वाली टीम है, उसकी आईडी बनाई जाओ, आईडी बनाई जाओ बिल्कुल, उसको प्रॉपर तरीके से बाहर जावे उनके पास, उनका कॉन्टेक्ट नंबर, गौशाला का कॉन्टेक्ट नंबर, बिल्कुल क्या लेटर पैड होना चाहिए, लेटर पैड पे नाम होना चाहिए, ये सदस्य है, फोटो लगना चाहिए, आई कार्ड लगना चाहिए, आई कार्ड के साथ साथ सरपंच के भी साइन होने चाहिए उस पर है, और सरपंच का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, प्रधान का कॉन्टेक्ट नंबर होना चाहिए, जो खुद का जिसका कार्ड है उसका कॉन्टेक्ट नंबर, जिम्मेवार सौदा होना चाहिए। एक का फोन आया, बोला एक कंडक्टर साहब का फोन आया चंडीगढ़, वो कंडक्टर भाई अपना, बोला भाई मेरी फोन आया था, आप क्या गया पड़े बैठे थे, बोला भाई 11,000 रुपये ले गए, ये मेरे तो रहे, अच्छा बोला मेरा दुख हो रहा है, अच्छा वो बेंगलोर वाला का आया, वो नू कहे हैं कि एक टीम आज ही इनकी कोई दूसरी टीम आज ही बेंगलोर से रेल में बैठी, लाखों रुपए चंदा ले गए, ले गए होंगे। मैं नू कहना रहा, आजकल यो ठगी वाला काम थोड़ा सा वैसे समाज में अच्छा नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो भाई इसका मतलब विश्वास खत्म हो रहा है, विश्वास है। और फिर इसमें पिछेदारी बिल्कुल बहुत ज्यादा, ये वो तरह सा ना, अब क्या हो गया रोडों पे इसलिए तो घूम रही है कि लोग नु सोचने लगे ठग हैं, गऊ तो दिखवांदे नहीं, हाँ। लेकिन सब एक जैसे, सब पांचों आंगली एक सी नहीं है। मैं तेन कहूंगा भाई, देखो हाथ जोड़ के कह सको, मैं देखो हम तो इतने बड़े हुए नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं तेरे ऊपर भी हाथ ठा लूं, किस बात का? मतलब एक सीधा है, मैं तेरे ऊपर भी भाई एक आरोप लगा दूं, जब तन्ने कह दिया भाई मैं भी 83 लाख रुपये गौशाला में दान दे रहा हूँ, 83 लाख भाई साहब को मेरा मुंह तो कह देना, मैं आसानी लगी पर रकम बहुत बड़ी है। देखो हमने ना अच्छे लोगों के उनके अच्छे अच्छे किताबें पढ़ी, भगत सिंह थे, राजीव दीक्षित थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे, तो इनकी किताबें थी वो हमने पढ़ी, उन किताबों में कुछ ना कुछ ऐसा लिखा हुआ था जो हमारे अंदर की चेतना को बदल दिया। कितनी गौशालाओं में अपना ये दान करा? कम से कम 12-13 गौशालाएं है और गुरुकुल है,
और 25-30 स्कूल है सरकारी जिनमें हमने स्टेशनरी और साइकिल साइकिल भी दान करी थी बेटियों को। और तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई जो हमारे क्रांतिवीर थे ना, उन्होंने देश आजाद कराया था। लाए कहां से पैसे? पैसे हम सिर्फ मिठाई बेच के लेकर आए थे। मिठाई मतलब कुछ समझा नहीं। मिठाई आजाओ आपने दिखा देता हूँ। हम मिठाई बनाते हैं गौशाला में और वो मिठाई आम लोग 140 करोड़ हिंदुस्तानी खरीद कर जाते हैं और उनका पैसा सारा हम डोनेशन कर देते हैं। थोड़ा सा खर्चा रखते हैं अपने पास। अच्छा। कि जैसे अगले सीजन पर फिर लगा हुआ था, फिर हम वो पूछ पैसे थे दोबारा शुरू कर सकेगा मिठाई। अच्छा, ये आपका सिस्टम जुड़ रहा है? हाँ, जो मेरा है पीछे गोदाम है, आप देखा स्कूल है, मिठाई बनना रही, मावे की भट्टी चल रही, कोयले की भट्टी। थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ, लंबी वीडियो हो गया, आप आगे चले जाओ कैमरा मैन साथी। अच्छा राकेश भाई, आपका माइक लग रहा, आप कंटिन्यू बोलते रहो। आपने जो मिठाई का कारोबार शुरू कराया, ये मतलब मिठाई जैसे त्योहारी सीजन जब आओ है, जैसे आपने भाई जब तीजों के उपलक्ष्य में आपने घेवर बनाया, अब दिवाली के उपलक्ष्य में आप मिठाई बनाने लग रहे हो, तो किस तरह की मिठाई? मतलब आम दुकानों पर मिठाई बनती है, आप ऐसा कौन सा अलग कर रहे हो भाई? आपने के अलग ही है पवन भाई, एक तो हम कोयले की भट्टी पर बना हुए। अच्छा, ये भट्टी जो है कोयले की है? कोयले की है, ये देखा इसको, सिलेंडर यूज नहीं करते, सिलेंडर यूज नहीं करते। देखो अच्छा, इतनी मिठाई बना हुआ है सारी कोयले, कोयले में बना हुआ है। और फिर दूसरी बात है, अमीन में खांड डाल रहा है, चीनी नहीं डालते, प्योर खांड डाल रहा है। इतनी खांड कहाँ से लाओ? हम छत्तीसगढ़ से अपनी बनवा हुआ है, छत्तीसगढ़ में बनती नहीं, लेकिन हम स्पेशल ऑर्डर पर बनवा हुआ अपनी खांड और उसकी मिठाई बनाया गया। फिर ये दूध हम अपने गाय का लेवा है और भैंस का भी लेवा है बाहर। अच्छा, दोनों मिक्स? हाँ, दोनों मिक्स लेवा है। अच्छा, गाय के दूध में जकरा कर ले। जो मेन चीज है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, वो है घी। घी हमारे पास है मधुसूदन का, जो हम लगा रहे हैं प्योर का। देखा ये कहाँ है भाई? ये रहा, आप देखा इसको? देखिए भाई नीचे भट्टी है, वो ये दिखा दे भाई, ये डिब्बे दिखा। ये डिब्बे रहे नहीं, उड़ा भीतर भी दुकान में भी धरे है भरे है। अब अच्छा, आई ना दिखाऊंगा मैं। अच्छा अच्छा, तो आप इस तरीके से जो बचत आओ है इसमें, उसको दान कर दो? बचत ना हम दान कर दे, कुछ रुपया अपने खर्चे वाला अगले सीजन के लिए हर बार रख लेते हैं। अभी आप एक बात और बताओ भाई, आप कैमरा मैन साथी आगे। राकेश भाई एक बात और आ गई, आप कह रहे हो भाई दान कर दे, हाँ कहाँ दान करते हो? ये गौशाला में और गुरुकुल में दान करते हैं, कि ये दोनों चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये बना कहाँ रहे हो आप ये मिठाई? ये मिठाई हम सैदपुर अठगाम गौशाला खरखोदा सोनीपत में बना रहे हैं। सैदपुर जो है, ये जो खरखोदा से जो दिल्ली रोड जाता है, तो सैदपुर चौक आओ है, चौक से सैदपुर चौक से आप ओचंदी बॉर्डर की तरफ हो लो, ओचंदी बॉर्डर की तरफ हो लो। बिल्कुल, कितने चल रहा है? मतलब ये लगा लो 200 मीटर ये सैदपुर चौक से चलते मेन रोड पे, मेन रोड अठगामा गौशाला है, गौशाला के बाहर आप ये मिठाई का काम चालू। बिल्कुल, मिठाई का काम चालू। एक बात और होगी, इब आपने तो कह दिया कि भाई आप प्योर बनाओ हो, आप अपनी चीज को अपने से इतना कौन खाटा बताओगा, तो इसमें तो फिर ये तो जांच का भी तो विषय है। बिल्कुल, जांच का है, कोई भी आगे जांच कर सके, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी समय कोई मिलावट नहीं किसी तरह की नहीं है। जो मावे का आइटम है वो मावे का है, जो देसी घी का बेसन का वो बेसन का है, वो प्योर है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ चलना ही? हाँ, ये काउंटर बना रखा है, ये काउंटर बना रखा है। इस काउंटर पे आप एक बार मिठाई दिखाइए भाई, केक के बनाओ है। सबसे पहले तो यहाँ दिखा दो मिठाई, ये जो प्योर देसी आपने लड्डू है, अगर ये लड्डू हो गए, गुलाब जामुन होगी, लड्डू गुलाब जामुन, ये बर्फी है, ये बेसन के लड्डू, ये बालूशाही, ये बर्फी प्योर मावे की। हाँ बिल्कुल, वो मिल्क केक भी है भाई, मिल्क केक भी है, गुलाब जामुन है, बड़े जलेब जिन जलेब गवाने वाली मोटी जलेबी, ये भी प्योर ओरिजिनल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये रसगुल्ले नहीं, रसगुल्ले भी आप बनाओ हो? हाँ, और हम बनाओ अपने, ये पेड़े भी आप? हाँ, पेड़े कल बनाए थे रसगुल्ले गुलाब जामुन अपने। जो माल इस दुकान के अंदर है वो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग, बाहर नहीं लेके आते, बाहर नहीं लेके, कुछ भी। अच्छा, समोसे का भी जिक्र सुना कुछ? हाँ, समोसा हमारा 5 रुपए का है मात्र, वो तो फिर नकली पाव है, इतना सस्ता है। हाँ, समोसे में के नकली सरसों तेल और सरसों का तेल है। हाँ भाई, इतना महंगा तेल फिर बचा के? बचाना तो वो है, दमक हूँ ना, यो तो एक चरचरा स्वाद का चीज है वो। अच्छा, ये समोसा दिखाइए भाई। हाँ। ये भी एक समोसा जो है मात्र 5 रुपए का है और प्योर सरसों के तेल में बनना लाग रहा है, दिखा दे भी। हाँ। बाकी जो मिठाइयां हैं वो प्योर मधुसूदन, शुद्ध देसी घी मधुसूदन है भाई, एक सेटिस्फाइड मतलब कंपनी है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है वो, उसकी है वो, गवर्नमेंट तो ऊपर हम जा नहीं सकते यार, तो नहीं मेरा था वो घी हम यूज करे, क्योंकि
जो बैसो का है वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाऊंगे, हम ना हो पाऊंगा जितने भी मेरा आज जो गांव में पशुधन कितना हो रहा है। अच्छा क्या कर रहे हो? जैसे बागा मिठाई का एरिया हमारा छोटे वाली बर्फी 550 बेसन के लड्डू 400 बेसन की बर्फी 380 बूंदी के लड्डू 350 बालू शाही 350 मिल्क केक 500 कलाकंद 500 गुलाब जामुन 280 जलेब 250। अच्छा मान लो भैया वीडियो दुनिया देखेगी यार भाई मैंने नंबर आपका मेंशन कर रखा है तो फिर आपसे कोई मंगवाना चाहो तो ऑनलाइन का कोई चक्कर है? ऑनलाइन का तो चक्कर है नहीं, हम ऑनलाइन कुकर भेजेंगे। और भाई कोई और चीजें क्लियर करनी है फ्लैक्स पे दिखा दूं मेंशन कर रखा है सारा फ्लैक्स पे आप दान ननु सोचो कदे हुए कह दियो देखो सारा मेंशन कर रखा है देखो। तो ये सबसे पहले साल में ये करा गया था ये 4 साल में लगातार है थोड़ा 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 सारी 4 साल में हमारे गांव की गौशाला श्री कृष्ण गौशाला मोखरा में भी 2,99,415 रुपये और वो भी वीडियो अभी मनु मूवीज पे आज भी लाइव है हमारे सामने बिल्कुल हवन यज्ञ करवा के और हमारे गांव की प्रधान हमारी मेरी माताजी श्रीमती विद्या देवी के हाथों में 2,99,415 रुपए मतलब 3 लाख रुपए दान करे गए थे वो ये रिकॉर्ड है। और अन्य जो गौशालाएं हैं वो हमारा मलिक भाई कोई भी सा झूठा नहीं है किसी भी गौशाला में जो नाम लिख रखे ना आप जाकर पूछ सको यो मिलेगा भाई ऐसे ऐसे राजीव दीक्षित संस्था राकेश भाई ने जो दान जो दे रखा है जितना भी है गौशालाओं में जैसे इसी गौशाला में इस पिछली बार तो रुपया की गठड़ी मैंने दिखाई दी जब दान ये उस पिछली भी मैंने 20,99,000 इसमें हो लिया हमारा 4 साल हाँ 3 साल में यहाँ पे सैदपुर गौशाला में 27 लाख के लगभग हमने दे दिया। अरे आप लोगों की बारी रहेगी भाई एक बार फिर आप लोगों को जागरूक करना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई राकेश आजा हम हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन करना चाहो है आप गऊ को दान दो अगर आप पीछे हट गए तो ये गौ माता बेचारी मर जाएंगी रोड़ा बनुए थे लिखा का पर बिल्कुल सत्य है सत्य बात है बिल्कुल दान तो आपने देना पड़ेगा लेकिन जांच के देख के परख के ये सही आदमी धोती खंड के देख के तो बिल्कुल मत दियो उस धोती खंड के जरूरी नहीं है धोती खंड के आला सही नहीं पाओगा एक नंबर के आदमी मारे आदमी तो धोती खंड के बांध गांव लेकिन नू पावना बना भाई ये धोती खंड का बांध रहा है उसकी तसल्ली करो बैठा के चाय पानी पिलाओ काका ताऊ दादा भाई जो भी है तेरी तसल्ली करांगे बुरा मत मानिए हमारा फर्ज भी है और उसका बताने का भी फर्ज है भाई ऐसे ऐसे माए है इस विषय में आए है और हमारा पूछने का भी फर्ज है अच्छे से क्योंकि हम दान देने लग रहे सही पाजा तो दान दे दो बढ़ चढ़ के दान दो हर भाई जब पाजा फ्रॉड है पाजा धोखेबाज तो मारो पिटो मत भाई मारा पिटो उनको एक सिस्टम के साथ कानूनी तौर पे या तो पंचायती तौर पे या भाई कानूनी तौर पे बिल्कुल प्रशासन रहा इतनी बड़ी सरकार बना रखी है मारने पिटने दो वो देखेंगे वो जो करना अपना काम नहीं है अपना काम नहीं है ऐसे क्या ना कुछ पता क्या है चाहे वैसे गलत भी कर रखे हो लेकिन क्या होता ना एक उम्र का भी दर्ज होता है कर दिया उसको भी सजा हमको देने वाले हैं कानून दे न्यायालय है पुलिस से जब जेल में पड़े हुए ना ये बाबा सब बना गांव में खड़े कर सीधी गोली मार दे बिल्कुल तो भाई ई एक रिक्वेस्ट है चंदा दे दो भाई कदे इस भी ये 2-3 वीडियो आई है इन तो इतने डिमोटिवेट हो जाओ भाई चंदा ही नहीं देना ऐसा काम भी ना करियो काम भी मत करियो देखो समाज है ना बखर जाएगा अर्थ समाज है ना समाज से ही चलता है डेढ़ गौ साला फिर बंद हो जाएंगे क्यों कर चलेंगे भाई चंदा ही नहीं दोगे तो चंदा ही नहीं दोगे किसकी एक लग इतनी औकात सब डेढ़ गौ साला चला देगा नहीं चलेगी भाई बिल्कुल नहीं चलेगी आप लोगों के सहयोग से चला कैसे एक बार अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर मारे दर्शक 9,66,29,00,71 9,66,29,00,71 यो भाई राकेश मलिक गांव पिनाणा डिस्ट्रिक्ट सोनीपत और विधानसभा क्षेत्र है गोहाना और वीडियो को साथ के साथ तुम भी शेयर कर दो और इस वीडियो में जो हमने जानकारी दी है जिसी मारी सोच थी उसी दे दी बिल्कुल जो हमारे विचार थे जो सोच थी समाज ने आगे बढ़ाने के विचार थे वो हमने बता दिए और इसमें कोई गलत लिख गया हो तो आप सजेशन दे दो कमेंट बॉक्स में हम उस पर जरूर सुधार करांगे और इस वीडियो ने शेयर कर दो और मिठाई जो देसी घी की खानी है अपने आपको अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को अपने परिवार को मिलावट के जहर से बचाना है तो सैदपुर गौशाला सैदपुर एक बार फिर बता दूं खरखोदा से दिल्ली रोड पे सैदपुर चौक से मुश्किल से 200 मीटर चलोगे ओले हाथ ने अठगामा गौशाला है सैदपुर अठगामा गौशाला में भाई राकेश मलिक का यो
लिख रखा है हमारा प्रथम कर्तव्य गौशाला को दान देना है और आपको मिलावट के जहर से बचाना है। शेयर करो इस वीडियो ने। नमस्कार, राम राम भाई ठोक दे, राम राम, राम राम भाई सारे दर्शकान है, सारे हिंदुस्तानियन है, और एडवांस में शुभ दीपावली। शुभ दीपावली यार, करवा चौथ वाले भाई जितने साथी है टेम तो घर चले जाइयो, थरी बिरबानी बांट दे कहे हैं, टेम तो जाइयो साफ सुथरे जाइयो, बिना पिए खाए आज तो एंडी तला जाइयो। सारा नहीं कहूँ बस जो बना व्या था वह भी टाइम अपने घर जा रहे हो। हाँ, अपने परिवार ने और अपने देश ने आगे बढ़ाओ, युवाओं का ही देश है यो। राम राम बसारे भाई, राम राम। आजा भाई एक और शूट कर दो ना जी।